कैसे हैं मेरे सारे भाई, ये एक बजट डाइट प्लान वीडियो होने वाली है जहाँ पे 170-175 ग्राम प्रोटीन हिट करने वाले हैं, पर सस्ते से सस्ती डाइट में 120-130 रुपए के अंदर अंदर आपको वो सारे विटामिंस, आपके सारे मिनरल्स, आपके सारे प्रोटीन अमीनोज पूरा करवाऊंगा, जो आपको मसल बिल्ड करने में, एक लीन फिजिक अचीव करने में मदद, साथ में वो इजी टू कुक होगा ताकि जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं या ऑफिस वगैरह जाने वाले मेरे बड़े भाई जिनके पास वक्त कम है उनकी भी मदद हो सके। पर कुछ वक्त पहले एक वीडियो डाली थी जहां 100 रुपए पर डे का डाइट प्लान बनाया था, बहुत प्यार मिला, बहुत व्यूज आए, पर उसपे बहुत सारे मेरे भाई कहे कि ये इस कॉस्ट में अवेलेबल नहीं। सबसे पहले हम खुद चलेंगे इस कैमरे के साथ, आप सबको दिखाऊंगा कि भैया एक्चुअल दाम, समझाऊंगा कि एसी के स्पेंसर से खरीदोगे तो महंगा ही मिलेगा, थोड़ा सस्ता चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं ये है चौराहा डंडैया मार्केट लखनऊ का, ये काफी बड़ा मार्केट है जहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। और अगर नॉनवेज की बात करें तो ये सामने स्टोर जहाँ पे चिकन वगैरह, अंडा, मटन, फिश, ये सारी चीजें। रमजान का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 10, इस वजह से दुकानें कुछ बंद है। भैया कट रहा है यहाँ। और बात एग्स की करें तो ये रहा स्टोर जो तकरीबन 10:30 बजे खुलता है। तो भाई ये है 1018 ग्राम और ये मेरे भाई है जो 200 रुपए के पर केजी बेच रहा है और ये रमजान की वजह से है। ऑल दो ये 160-180 रुपए में भी खरीदता हूँ, बता दो भैया, नहीं तो मानेंगे नहीं लोग। ठीक है, क्या कितने में खरीदते हैं ये बताओ, नॉर्मल टाइम पे हैं, अभी नहीं रमजान के पहले या बाद में? 160। तो वेलकम बैक भाइयों, उस वक्त तो अंडे नहीं मिले बट बाद में जाके मैंने अंडा ले लिया और 2 ट्रे तकरीबन 280 रुपए मिले की 2 दिन पहले मैंने 150 में लिया। अब आते हैं आपके मील नंबर 1 पे जो होने वाली है कुछ ऐसी। देखिए मॉर्निंग की आपकी पहली मील होने वाली है, पर अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो एक प्री वर्कआउट मील भी होने वाली इस वीडियो में जो आगे चल के मैं बताऊंगा। अगर इस मील की तो यहाँ पे हमने यूज किए 5 होल अंडे, देख रहे होंगे एक भी यॉक हमने नहीं हटाया, साथ में 40 ग्राम ओट्स के साथ 200 ग्राम टोंड मिल, साथ में 10 ग्राम चिया सीड, 10 ग्राम फ्लेक्सी, तो इसे एक कंप्लीट मील बना देती है। यहाँ पे अमीनो प्रोफाइल तो काफी हैवी है ही, साथ में आपको अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आपके रात भर से फास्ट कर रही बॉडी को परफेक्टली सूट करेगा। ये अंडों से बेहतर बायोबिलिटी और बेहतर अमीनो प्रोफाइल किसी फूड में नहीं। 6 अंडे आपको तकरीबन 30 ग्राम प्रोटीन दे देंगे, जिसमें खास बात कौन से अमीनोज है उसकी हो जाती है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, जिसके लिए आप BCAA पीते हो, इन 6 अंडों से ही 2 स्कूप हो जाएगा। साथ में ओट्स और दूध आपके प्रोटीन को तो ऊपर करेगा ही, पर साथ में यूज किया हुआ चिया सीड और फ्लेक्सी की मिनरल रिक्वायरमेंट की पूर्ति करेगा, आपके शरीर से थुतलापन हटाएगा, आपके शरीर में जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल पूरा करेगा जो थ्रू आउट द डे आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। ये थी आपकी हाई कार्ब मील, अब चलते हैं आपकी मील 2 पे जो कि लो कार्ब होने वाला। वक्त हो चुका है तकरीबन 2 और मौसम काफी क्लाउडी है, बट हम बात करें आपके मील नंबर 2, ये होने वाली है आपकी मील नंबर 2। बहुत सारा कुकुम्बर, बहुत सारा कैरेट और साथ में 200 ग्राम चिकन। देखिए काफी सिंपल मील प्लान है जहाँ पे सिर्फ हमने वेजीज को रोटेट किया, जहाँ से हमें काफी मिनरल्स और फाइबर्स मिलेंगे। साथ में आपको पता है चिकन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के लिए, जो साथ में बहुत ही लो इन कार्ब्स होता है। पर यहाँ पे एक लेग पीस है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन ज्यादा होता है, लेग पीस या विंग्स में 20-22 ग्राम होता है, वहीं पे चिकन ब्रेस्ट में 25-28 के बीच होता है। 1 किलो चिकन रमजान की वजह से 200 रुपए में भले मिला हो और इतना महंगा होने के बावजूद ये 200 ग्राम सिर्फ 40 रुपए का पड़ेगा, इसमें ये 50 ग्राम प्रोटीन से भी ज्यादा दे रहा है। साथ में लो कार्ब्स होने के साथ साथ काफी लजीज भी है, सिंपली से आपको बॉईल करके हल्के से घी में फ्राई कर दे रहा है। इसकी पूरी रेसिपी मेरी थंबनेल वाली वीडियो में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक 2 मील में ऑलरेडी हम लोग 90-95 ग्राम प्रोटीन पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे खर्चा सिर्फ 60-70 रुपए हुआ। चलिए चलते हैं आप सीधा प्री वर्कआउट मील पे। तो दिन की तीसरी मील होने वाली है आपकी प्री वर्कआउट मील, जो मेरे पीछे रखी हुई है। बट ऐसे मेरे भाई जो सुबह जाते हैं जिम, उनके लिए ये पहली मील बन जाएगी, पर ऐसे मेरे भाई जो शाम में ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए ये तीसरी मील रहेगी, ये आपको याद रखना जरूरी है। मील में हम कंज्यूम करने वाले हैं 200 ml दूध, साथ में 1 पूरा चम्मच पीनट बटर, साथ में 1 होल बनाना। पीनट्स हमें काफी अच्छे अमाउंट में फैट प्रोवाइड करते हैं, उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, साथ में दूध में 200 ml दूध में 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ऐसे मेरे भाई जो इसे सुबह कंज्यूम करने वाले हैं उनको खासा फायदा मिलेगा, क्यों? क्योंकि दूध में रहता है कैसीन। ऐसी बॉडी जो रात भर कुछ खाई ना हो सोते वक्त, उसके लिए कैसीन बहुत बेहतरीन रिकवरी देता है और कैटाबॉलिक विंडो को छोटा कर देता है। इस मील की टोटल एक्सपेंस अगर आप 1 केला भी खरीदो तो 5 रुपए से ज्यादा केला पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। 1 स्पून पीनट बटर जहाँ पे तकरीबन 40 ग्राम आ रहा है, उसका कॉस्ट 8-10 रुपए आने वाला है। साथ में दूध ज्यादातर घर ही पे मिल जाएगा, बट स्टिल अगर काउंट भी करें 6-7 रुपए 200 ml दूध के पड़ने वाले हैं। तो इस टोटल मील में हम 15-20 रुपए खर्च कर रहे हैं, पर इसी मील से 15-18 ग्राम बेहतरीन प्रोटीन, साथ में कार्ब्स और बेहतरीन अमाउंट में फैट भी यूज कर। इसे खत्म करके मैं जाता हूं और मिलता हूं आपसे मील 4 के साथ। तो मेरे भाइयों रात के बज चुके हैं तकरीबन 9 और आग पे मेरी नींद ऑलरेडी आप देख सकते हो, बट पर आपकी जो दिन की आखिरी मील होने वाली वो है ये
अगर आप ध्यान से देख पाए तो 150 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया, हल्का सा भुना हुआ, ऑफ कोर्स खीरे और कैरेट जो एज अ सैलड यूज कर रहा, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ खाना नहीं उसे पचाना भी है। तकरीबन 40 ग्राम अरहर की दाल अगर आप देख पाए। ये है वेज फ्राइड राइस, जहाँ पे सब्जियां जैसे कि मटर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह थोड़ा सा ऐड किया है। सैलेड वगैरह में शिमला मिर्च जैसी चीजों को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। इसमें टोटल 60 ग्राम ब्राउन राइस इस्तेमाल हुई है। तो ये एक कंप्लीट मील है जहाँ पे फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों ऊपर। यहाँ पे कार्ब ऊपर रखने का रीजन यही है कि आपकी थ्रू आउट द डे जो भी ट्रेनिंग या कार्डियो हुआ है, जिस भी ट्रेनिंग प्लान पे हो आप, उसको रिकवरी के स्लीप के दौरान आपको ग्लाइकोजन स्टोर फुलफिल रहना चाहिए। आपकी बॉडी में इनफ न्यूट्रिशन होना चाहिए कि आपकी मसल रिपेयर हो सके जब आप सो रहे हो। कि जिम में मेरे भाइयों सिर्फ मसल टूटती है, बनती तब है जब आप घर पे सोने जाते हो। इस वजह से दिन की पहली और आखिरी मील हमेशा पूरी होनी चाहिए, कार्ब के मामले में, प्रोटीन के मामले में, ऑफ कोर्स फैट के भी मामले में। अब इस मील का खर्चा क्या है? दाल और चावल मेरे घर पे पड़ा ही रहता। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ पनीर का है जो 150 ग्राम पनीर है, और 300 के आसपास इस समय पर केजी का कॉस्ट है पनीर। तो तकरीबन 45 रुपए का खर्चा इसमें है। इस टोटल मील में हम 35 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी हिट कर रहे हैं। अच्छे अमीनोज हैं ये, हल्के फुल्के अमीनोज सोयाबीन जैसे नहीं है। साथ में माइक्रोस की भी अच्छी खासी पूर्ति हो रही है, जैसा कि आप सैलेड में देख लो, दाल से देख लो, काफी अच्छे फाइबर्स मिल रहे हैं। एक ओवरऑल मील है जो आपको काफी अच्छा मसल बिल्ड और फैट लूज करने में मदद करेगी। दोस्तों, टोटल 120-130 रुपए के खर्चे में हमने आज 160 ग्राम प्रोटीन से भी ज्यादा कंज्यूम किया, और सिंपल रेसिपीज थी, कुछ भी ऐसा तामझाम हिसाब किताब नहीं था। आई रियली होप कि आप वीडियो से कुछ सीखोगे, और अगर पसंद आई हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।